जो भी संविधान को समाप्त करने की कोशिश करेगा उन्हें समाप्त करने के लिए लोकतंत्र सेनानी संघ की हुई स्थापना। तपन भौमिक, सुसनेर, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या कर आपातकाल की घोषणा की थी। तब मेरी उम्र 16.5 साल थी। मैं भोपाल जेल में बंद था और हम सभी हिंसा बिंदुओं ने अनेक यातनाएं झेली। सरकार के फैसले का विरोध करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस दौरान करीब 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस घटना को भारत में लोकतंत्र के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक माना जाता है। उक्त बात लोकतंत्र सेनानी संघ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष तपन भौमिक ने स्थानीय सुमन मैरिज गार्डन में आयोजित लोकतंत्र सेनानी एवं प्रहरी संघ के जिला सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर लोकतंत्र सेनानी गिरिराज पुरोहित ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम को जिला प्रहरी संघ संयोजक राजेश देसाई ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में स्वागत भाषण कार्यक्रम के आयोजक एवं लोकतंत्र प्रहरी संघ के जिला संयोजक कैलाश नारायण बजाज ने दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकतंत्र सेनानी संघ जिला संयोजक रमेश परमार ने की। इस अवसर पर लोकतंत्र प्रहरियों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन मांगीलाल सोनी ने किया एवं आभार अभिषेक बजाज ने माना। विशेष अतिथि के रूप में पूर्व विधायक फूलचंद बेदिया, बद्रीलाल सोनी, मीसाबंदी गोवर्धन शुक्ला, गोवर्धन पालीवाल, जगदीश बैरागी, डॉक्टर मानकचंद जैन, प्रेम मस्ताना, केल कुलमी, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि राहुल सिसोदिया, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि राजपाल सिंह सिसोदिया, सूरत भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन सिंह गुंडलावता, नलखेड़ा मंडल अध्यक्ष पवन बेदिया आदि उपस्थित थे। अतिथियों का स्वागत मार्केटिंग अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह कांवल, पार्षद प्रतिनिधि दिलीप जैन सारंगिया खेड़ी, सामाजिक कार्यकर्ता विष्णु भावसार, सांसद प्रतिनिधि मुकेश हरदेनिया, अशोक बजाज, महेश शर्मा, अभय जैन, अशोक अटल, वेद प्रकाश भट्ट, राकेश बिकुंडिया, दीपक जैन, महेंद्र मीणा, अक्षय राठौर, मनोज माली आदि ने किया। राजेश भावसार, दैनिक तृतीयन पत्रिका, रिपोर्टर, सूरत। गंगा निकली है, उस गंगा की बहने की जो धार है, उसकी कलकल है, उसका जो संगीत है वो सावन है। शिव भक्तों की जो टोली होती है और पूजा के लिए निकलती है, उस पूजा की परात का नाम सावन है।